नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 30 जुलाई 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी आगामी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या ज्यादा है? आपको बताना है कि निम्न में से वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, तो वह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 124 बाघ हैं, वहीं कान्हा नेशनल पार्क में 108 हैं, पैंच नेशनल पार्क में 87 हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क में 47 बाघ हैं। वहीं और डिटेल से बात करें तो फॉरेस्ट सर्कल के रातापानी सेंचुरी में अब 45 बाघ हो गए हैं, और रातापानी सेंचुरी में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या से ज़्यादा हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में 31 बाघ हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मध्य प्रदेश की सीधी में संजय डूबी टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई है। वह खबर क्या आई है कि जो T20 बाघिन है, उसने 2 नन्हे मेहमानों को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 29 जुलाई 2020 को बाघों की संख्या कितनी हो गई है? मध्य प्रदेश में 29 जुलाई 2020 को बाघों की संख्या 528 हो चुकी है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अब 528 बाघिन हैं, जो कि ये संख्या देश में सबसे ज़्यादा, पहले कितनी थी, 526 थी, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और ये 2 नन्हे मेहमान बाघ जो कि इंटरनेशनल डे पर वो हुए हैं, तो उसमें अब 528 हो चुकी है। पिछले साल ही फिर से मिला था मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए 2023-24 के लिए 7,440 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक के लिए 7,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 744 करोड़ का प्रावधान इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना क्या है? इसके अंतर्गत प्रति प्रकरण 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। ब्याज में 3% तक की छूट भी दी जाएगी। कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए इस फंड का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस फंड से मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, साइलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइपनिंग चैम्बर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक आदान तथा सप्लाई चेन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजना में मध्य प्रदेश के कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हैं? कुल कितने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हैं? तो ये किए जाने हैं आपके, ये 987,000, ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। 987,000 क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए जाने हैं किसानों को। क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजना में प्रदेश के 90,87,000 किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इनमें से 9,03,000 किसानों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना में कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना में ये 3% का जो है वो ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, वहीं 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुपालन संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने लाख समस्त गो भैंस बंसी पशुओं का टीकाकरण कराया जाएगा और टैगिंग की जाएगी? तो वह होगा 290,00,000 यानी 2 करोड़ 90 लाख जो है वो गौ भैंस बंसीये हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसकी पशुओं की टीकाकरण कराया जाएगा। और ये समस्त ये आंकड़ा है हमारे मध्य प्रदेश में। अब बात करेंगे हम वन लाइनर एमपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की गिरदावरी फीडिंग में अभियान कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ये 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ किया जाएगा। और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये छतरपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला शासकीय प्लाज्मा बैंक। किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है? तो शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने पार्लियामेंट्री यानी सांसद अवार्ड नहीं जीता है। किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड जीता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1994 में, अर्जुन सिंह ने 2000 में और सुषमा स्वराज ने 2004 में पार्लियामेंट्री अवार्ड जीत चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश से। चंबल प्रोग्रेस वे का भूमि पूजन किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो ये चंबल एक्सप्रेस वे का भूमि पूजन श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे जो पिछला वीडियो था आपका 26 से 29 जुलाई का, उसमें कि 1732 में मालवा में स्थापित हुए देवास बड़ी पांति राज्य किस वंश से संबंधित था? तो 1732 मालवा में स्थापित हुए देवास बड़ी पांति ये तुकोजी वंश से संबंधित था। और मध्य प्रदेश में लखनऊ किस जिले को कहा जाता है? तो मंडला, सीहोर, सिवनी, भोपाल में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, हम कुछ ही दिनों में आपका जो एमपी डेली करंट अफेयर्स का यह वीडियो है हम प्रतिदिन कर देंगे। और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया करें। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।